जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम डेट, कब आपका एग्जाम होगा, इसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। साथियों, ये नोटिफिकेशन आपको निकल के आया है आरआरबी अजमेर से। तो इसमें एक न्यूज कटिंग आया है जो कि आरआरबी अजमेर के द्वारा, अजमेर के न्यूज एजेंसी के द्वारा आरआरबी अजमेर के अधिकारियों से जब बात किया गया तो ये सूचना निकल के आया कि आरआरबी ने एएलपी और आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली कंपनी का सिलेक्शन कर लिया गया है, जो कि आपको बहुत सारे टीचरों के द्वारा यूट्यूब पे बताया गया था। आपको 2-4 दिन पहले बताया भी गया होगा कि आरआरबी एएलपी और आरपीएफ एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए एग्जाम जो नेशन करवाने के लिए जो टेंडर निकाला गया था वो टेंडर लॉक हो गया है। कौन सी कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी ये फाइनल हो गया है। लेकिन जब आरआरबी अजमेर से बात किया गया तो वहाँ के अधिकारियों ने ये बताया कि आरआरबी एएलपी के लिए और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हायर कर लिया गया है और बहुत ही जल्द आपको एग्जामिनेशन डेट जारी कर दिया जाएगा। और एग्जामिनेशन डेट जारी करने के साथ ही कब से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कब आपका सिटी दर्शाया जाएगा, किस सिटी में आपका सेंटर पड़ा है, ये दर्शाया जाएगा, वो आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा, लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहीं आरआरबी के अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि आरआरबी एएलपी और आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम नवंबर से दिसंबर के बीच करा लिया जाएगा और सबसे पहले आपका एएलपी का एग्जाम कराया जाएगा, क्योंकि आपका एएलपी का जो फॉर्म भरा गया था वो आपका 19 जनवरी से भराया गया था, जो कि लगभग समय हो गया, 8-9 महीना समय हो गया है। वहीं आपका जो एसआई का था वो अप्रैल से भराया गया था, तो इसका भी लगभग 4-5 महीना हो गया है। तो इसलिए सबसे पहले आपका एएलपी का एग्जाम कंडक्ट होगा और आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और साथियों, आप लोग को आरआरबी एएलपी का एग्जाम नोटिफिकेशन जो है उसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर जाएं और बीएसपीसीएल से रिगार्डिंग, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग और एनटीपीसी से रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी जानकारी होगा, आपको चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग जाके चैनल को ज्वाइन कर जाइएगा। फिर आपके लिए साथ में एक महत्वपूर्ण सूचना है, रेलवे से रिगार्डिंग, चाहे आप कोई भी फॉर्म भरे हों, रेलवे का अगर आप एएलपी फॉर्म भरे हों, टेक्नीशियन फॉर्म भरे हों, आरपीएफ एसआई भरे हों या कांस्टेबल भरे हों, आरआरबी जेई भरे हों या फिर एनटीपीसी भरेंगे, जो भी फॉर्म भरे हुए हैं वो अपना आधार वेरिफिकेशन जरूर करा लें। उसका टाइम दिया हुआ है अभी, तो आप लोग जाके आरआरबी के वेबसाइट पे आप अपना जो लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया था, कोई भी रजिस्ट्रेशन किए थे तो उस पे जाके आप अपना आधार वेरिफिकेशन का लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पे आप अपना आधार वेरिफिकेशन कर लें और डिजी लॉकर में भी आप अपना आधार जोड़ दें। डिजी लॉकर को भी आप आरआरबी से जोड़ दें, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि अगर आप डिजी लॉकर से या फिर अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, अपने आरआरबी में जो फॉर्म भरे हैं उसका, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन किए हैं रेलवे के लिए, उसमें अगर आप आधार वेरिफिकेशन नहीं करते हैं
तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कि फॉर्म ही भरे हैं आधार से, तो उनका कहना ये है कि हम तो फॉर्म ही आधार से भरे हैं, तो हमारा तो आधार वेरिफिकेशन उसी टाइम हो गया था। तो ऐसा नहीं है, आपका जो फॉर्म खोलिएगा उसमें आपको लिखेगा भी कि आधार वेरीफाइड, ठीक ना, लेकिन वो जो आपका आधार वेरीफाइड है वो पार्टिकुलर उस फॉर्म के लिए वेरीफाइड है, ना कि RRB आपके आधार को वेरीफाइड किया है। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आधार से वेरीफाइड नहीं है। तो वो भी जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा लॉगिन आईडी या पासवर्ड से, आपको फ्रंट में ही आपको लेफ्ट कॉर्नर पे दिख जाएगा आधार वेरिफिकेशन, वहां पे क्लिक करके आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा, अपना नाम दे दीजिएगा, फादर्स नेम डाल दीजिएगा, ठीक ना, और दोनों मैच कर लीजिएगा कि सेम जो आधार में जो है वही आपका डाले हैं। उसके बाद आप क्लिक करके कर दीजिएगा, आपका OTP आएगा और आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आधार वेरिफिकेशन आपका मैंडेटरी है, तो ये जरूर कर दीजिएगा साथियों। यही आप लोग को बताना था, आगे जो भी वैकेंसी होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर जाइएगा साथियों, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।